इलाके में हमने जफराबाद और गढ़ी अबीबुल्ला का जो जंगल था उसके सिर के, अभी हम गामजन है नीलम वादी के रास्ते पर। और बहुत सारे लोगों के बकौल जो नीलम वादी है वो कह रहे हैं कि नीलम वादी कश्मीर का सबसे खूबसूरत वादी है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जो व्यू है, उसका जो खूबसूरती है, कुदरती मनाजिर है, हम आपके साथ अच्छी तरीके से शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। इसके बाद अपनी मंजिल दानी वाटरफॉल के लिए दोबारा रवाना हुए। दोस्तों, यहाँ भी कभी आबशार हुआ करता था लेकिन अभी सूख चुका है। अच्छा दोस्तों, तो अभी हम गामजन के दानी वाटरफॉल के रास्ते पर और कुछ ही फासले में हम इंशाल्लाह अभी पहुँच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा रास्ता बाकी है अभी और दानी वाटरफॉल में फिर मिलते हैं। कश्मीर बता, तैयार है हम। मीलाद चौक पहुंच चुके हैं और यहां से उसी पुल का रास्ता सीधा दानी वाटरफॉल जाता है। एक साल बाद इत्तेफाकन दोबारा मिले, इसके साथ गुजरांवाला के दोस्तों के साथ जो कि पिछली साल शारान पॉरस में हमारे साथ मिले थे। अगर आप कुछ हेल्प करें तो ये 13 हो जाएगा। अगर मेरे 13 मैक्स प्रो के पैसे नहीं बनेंगे ना तो ये आपको दे दूंगा। अच्छा, क्योंकि इसमें तो आता नहीं, 8000 फिलहाल अभी जमा हो गए। जी जी, थैंक यू सो मच। वहाँ पहुँचने से पहले काफी फासले से आपको वाटरफॉल नजर आएगा। और हम अभी दानी वाटरफॉल पहुँच चुके हैं और हमारा आज का डेस्टिनेशन भी यही था। थोड़ा एंजॉय करें और फिर आगे जाएंगे नीलम वैली के लिए। ये
ये वाटरफॉल अगर आप हकीकत में देखेंगे तो एक अलग सा एहसास होगा। यही वजह है कि यहाँ लोग अपनी फैमिली के हमरा आते हैं और हर कोई अपना एंजॉयमेंट में मगन होते हैं। कोई सेल्फियां तो कोई टिकटॉक बनाने में मसरूफ था और यही सब कुछ हमने भी किया। और यहाँ इंजॉय करने के बाद हम वादी कुटन में कुंडल शाही वाटरफॉल के लिए रवाना हुए, जो इंशाल्लाह अगली व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह कुंडल शाही वाटरफॉल में।